स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए बेटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको पता है टोटल एक्सपेंडिचर होता है जो गुड्स और सर्विसेज पे होता है। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन जो रिलेशनशिप बताता है हमारी कंजम्पशन की और हमारी डिस्पोजिबल इनकम। डिस्पोजिबल इनकम क्या होती है बेटा, जो जो पर्सनल टैक्सेस देने के बाद जो हमारे पास इनकम बचती है। अब बेटा इसके आगे है केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। ये क्या बताता है, कहता है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन भी बढ़ती है। पर ठीक है, पर हायर लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन हमारी इतनी नहीं बढ़ती। यहाँ पे देखो लिखा हुआ, क्योंकि वो अपना पूरा जो पैसा है वो सारा कंजम्पशन पे नहीं पे करते। ये देखो ये रहा, ठीक है, ये इसका ये ऑटोनोमियस कंजम्पशन बेटा होती है जो इनकम पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, मतलब ये कंजम्पशन, कुछ कंजम्पशन हम तब भी करते हैं जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है या किसी से उधार वगैरह लेके। ठीक है, ये होती है हमारी एमपीसी जो मैं अभी आगे बताऊंगी, जो बी है हमारा, ये होती है हमारी इनकम। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए कि जो हमारा कंजम्पशन कर्व है वो देखिए ज़ीरो से नहीं स्टार्ट हो रहा। ठीक है, हमारा थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इसमें ऑटोनोमियस आ गया। ठीक है, और बी है जो हमारी स्लोप है जिसको हम एमपीसी बोलते हैं। ठीक है, पता लग गया एमपीसी क्या होती है, जो चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम होती है। फिर आगे हमारी आ गई एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये इसका फॉर्मूला ये होता है बेटा, जो कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम होती है। ठीक है, हाँ जी, फिर इसमें इनवर्स रिलेशनशिप है एपीसी में एंड वाई में। ठीक है, ये है हमारी एपीसी। बी पॉइंट पर देखिए क्या है, बी एन डिवाइडेड बाय एम बी। ठीक है, अब देखिए फीचर्स क्या हैं जो हमारी एपीसी के हैं बेटा। यहाँ पे कहता है बी पॉइंट पे इस तरह से काउंट हो रही है और बी एन और एम बी के बराबर है। ठीक है, और ज़ीरो लेवल इनकम पे क्या होगी, एट पॉइंट आर पे ये इनफाइनाइटी होगी। ठीक है, और एपीसी क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है। फिर आगे आ गई हमारी एमपीसी। एमपीसी आपको पता लग गया चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बताया है ना, और आपको जैसे एग्जांपल भी दिया यहाँ पर प्रॉपर। ठीक है, ये देखिए पहले 50 करोड़ थी, फिर इनकम 100 हुई, 30 से ये देखो चेंज आया ना, यहाँ पे देखो 50 का और यहाँ पे 20 का है, ये हो गया हमारा एमपीसी। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या हैं, ये आपको पता कैसे काउंट होती है, चेंज इन कंजम्पशन बढ़े हुए चेंज इन इनकम, ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है, मतलब सेम रहती है, और ये ज़ीरो और वन के बीच में लाई करती है। ठीक है, और एपीसी हमेशा क्या होती है, जो हमने पहले करी है वो हमेशा एमपीसी से ज़्यादा होती है। फिर आगे आ गया हमारा आगे सेविंग फंक्शन। हाँ जी स्टूडेंट्स, सेविंग फंक्शन आपको पता लगे क्या होता है, जो सेव की बताता है कि हम कितना सेव करते हैं, इनकम और सेविंग के बीच में इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होती है। क्यों होती है बेटा नेगेटिव से स्टार्ट, क्योंकि देखो जब वो हम कुछ नहीं मतलब अर्न कर रहे हैं उस टाइम पे। ठीक है, सो मतलब हम कहीं से तो कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब हम अपनी सेविंग्स को यूज़ कर रहे हैं, तो सेविंग उस टाइम पे नेगेटिव है, फिर ये ऐसे बढ़ रही है। ये देखो पूरा यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है कंजम्पशन का, यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर सकते हैं हम जो मैंने पीछे करवाया आपको। ठीक है, करके ये आ गया हमारा सेविंग का फॉर्मूला यहाँ पे। अब देखो क्या, अभी मैं आगे करवाऊँगी, ये पूरा देख लो यहाँ से। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे उन्होंने बेटा देखिए एक टेबल दिया यहाँ पे, ये हमारी सेविंग कंजम्पशन फंक्शन है। ठीक है, फिर हमारा चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन, एमपीसी और सेविंग। अब उस जो है एमपीसी क्या सेम है सारे लेवल पे, ये हमने बस इसको यहाँ पे ऐसे प्लॉट कर दिया। ठीक है, और ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, वाई हमारी 45 डिग्री है जो हमारी इनकम है, और ये कंजम्पशन फंक्शन हमारा ये है। ठीक है, ये हमारा दिया गया प्रॉपर एमपीसी और एपीसी का। ठीक है, इस तरह से आइए, और भी बहुत से एग्जांपल्स दिए गए हैं। फिर
ये था हमारा, मतलब ये सारा ही था। देखिए यहाँ से डिस से भी प्रॉपर, ये देखिए ये एग्जांपल दी गई है, ये आप कर सकते हो। ये यहाँ पे बेटा याद रखना, जहाँ पे कंजम्पशन और सेविंग हमारी इक्वल होगी वो ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। फिर आगे हम करते हैं अपने एपीएस, ठीक है। एपीएस पता लगी क्या होती है, पहले ये डायग्राम देख लो। ये देखो याद रखना, जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे की इक्वल होगी, सेविंग ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि मतलब हमने सारी इनकम ही कंज्यूम कर लिया, तो ऑब्वियसली सेविंग तो ज़ीरो होगी, ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस। और फिर आगे हमारा आगे आता है एपीएस। एपीएस देखिए, सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम, ये हमारा, ये देखिए ये टीआर डिवाइडेड बाय पीटी एग्जांपल दिया, ठीक है। इतनी ये इतनी और इसको करके आ गई 80%। फिर एम पी एस पी आगे, चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, ठीक है। ये देखो इसका एग्जांपल दिया, एक यहाँ पे दिया है ना, ये मतलब इतना चेंज आया इनकम पे, कंजम्पशन पे इतना, तो सेविंग पे इतना, तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करके हमने वैल्यू निकाली। ये देखो ये डिवाइडेड बाय दिस, ये से आगे। अब इसका रिलेशनशिप देखो, ये दोनों हमेशा इक्वल टू वन होगी, ठीक है। ये बेटा इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। अब देखिए वाई का फॉर्मूला सी प्लस एस लिया, अब दोनों तरफ मैंने चेंज लगा दिया, ठीक है। अब दोनों साइड्स को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, इससे डेल्टा ऑफ वाई किया। ये क्या आ गया, वन आ गया कट करके, ये आ गया एम पी सी, ए आ गया एम पी एस करके, ये आ गई हमारे पास दो डेरिवेशन। फिर ऐसे ही देखो आगे, इन दोनों को भी वन लगाया, वाई से डिवाइड किया, ठीक है। फिर ये हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गए। फिर स्टूडेंट्स कुछ फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, इन दोनों चीज़ों को, सेविंग और कंजम्पशन को इफेक्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इफेक्ट करता है, कहते हैं जितना ज़्यादा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होगी एंड सेविंग लेस होगी। एज डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना, जो ओल्ड पीपल हैं वो सेव ज़्यादा करते हैं, ठीक है, और जो यंगर पीपल क्या करते हैं, स्पेंड ज़्यादा करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, ऑब्वियस है, अगर आपको कंज्यूमर की अच्छी क्रेडिट कार्ड है आपके पास, तो आपकी सेविंग ज़्यादा होगी, ठीक है, अदरवाइज कम होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, विद अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है, ठीक है, और हम सेव उस टाइम पे ज़्यादा करेंगे। प्राइस लेवल हाई है तो जो हमारी कंजम्पशन होगी वो कम होगी और सेविंग ज़्यादा होगी। और प्राइस एक्सपेक्टेशन अब फ्यूचर में ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है, तो हम अभी सब कुछ खरीद लेंगे, ठीक है। फिर कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल भी हैं स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं डिस्पोजेबल इनकम इतनी है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इतनी है, एपीएस निकालो। पहले तो हम क्या करेंगे, ये आगे, और फिर फॉर्मूला पुट करके सेविंग निकालेंगे, और इस तरह से एपीएस, ठीक है। फिर सेकंड एग्जांपल भी ऐसी है, डिस्पोजेबल इनकम इतनी है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इतना, एपीएस निकालो। पहले तो हमने एस का फॉर्मूला क्या होता है, वाई माइनस डी करके ऐसे एपीएस निकाली। आगे देखिए बहुत से ये भी एग्जांपल्स आप कर सकते हो स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें सिंपल आगे सेविंग दिया, मतलब हमें कंजम्पशन का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है ना यहाँ पे। ये देखिए ये भी ऐसी है, इनकम इतनी, सेविंग इतनी, सीधा एपीसी निकालो, फॉर्मूला लग जाएगा। अब ठीक है, अब इसमें कंजम्पशन निकालनी है तो थोड़ा यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा फॉर्मूला का। आगे भी ऐसी है, अगर एम पी एस वन है तो एम पी सी कितनी होगी, वो ज़ीरो होगी, मतलब हमने सब कुछ ही जब सेव कर लिया तो ऑब्वियस है कंजम्पशन हमारी ज़ीरो होगी। फिर इसको भी इस फॉर्मूले में पुट करके हमने लिखाया। अब इसमें से देखिए ये दिया हमने, इसमें से ए पी सी, एम पी एस और एम पी एस निकालना, कैसे निकालेंगे देखिए। ए पी सी हमें पता है, सी डिवाइड बाय वाई, डिवाइड करते गए निकालते गए। फिर चेंज निकाला, चेंज आपको पता है इनको माइनस करी जाना, वाई भी आपको पता है इनको आपस में वाई माइनस करी जाना, फिर इन दोनों कॉलम को आपस में डिवाइड कर देना। ऐसी एम पी एस निकाली, वन माइनस एम पी एस, ठीक है। तो ये था हमारा कंजम्पशन ऑफ सेविंग।